अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। माता के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करने से दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है। श्री श्री महापुराण कथा के दूसरे दिन पंडित शास्त्री ने कहा, माता के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करने से दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है। हमें यश पूज्य माता पिता के आशीर्वाद से मिलता है। प्रातः काल सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की रेखा देखना चाहिए, क्योंकि हाथों में लक्ष्मी व सरस्वती जी का वास होता है। उसके बाद भूमि का वंदन करें, उसके पश्चात नीचे पैर रखें। उक्त उद्गार मेन रोड पर आयोजित 7 दिवसीय श्री श्री महापुराण कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ से पंडित देवेंद्र शास्त्री ने व्यक्त किए। श्री शास्त्री जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल तो लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं कि रात में कितने मैसेज आए, लेकिन सुबह उठते ही भगवान का नाम लें तभी उद्धार होगा। उन्होंने आगे कहा कि शिवलिंग साधारण नहीं है, इसे मार्कंडेय ऋषि ने प्रकट किया था। व्यक्ति व वस्तु का महत्व जानना आवश्यक है। जैसे दीपक के जलने से उसका प्रकाश अपने आप फैलता है, उसे किसी को बताना नहीं पड़ता। व्यक्ति स्वयं भी अपने महत्व का ढिंढोरा न पीटे। संसार में ईश्वर मंगल है, अतः जीवन में मंगलाचरण भी होना चाहिए। इससे ईश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं। पहले हर शुभ कार्य का शुभारंभ मंगलाचरण से होता था। शिव महापुराण कथा में भीषण गर्मी में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु कथा का रसपान कर रहे हैं। डिजियाना निर्माण रिपोर्ट से गाँव।